आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो देखते रहे स्टूडियो को। नमस्कार, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अडोबी फोटोशॉप, जिसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है और हर किसी को ये चलाना नहीं आता। ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उस फोन से फोटो का बैकग्राउंड ईजिली चेंज कर सकते हैं। आपको कोई फोटोशॉप यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पिकार्ट नाम का एप्लीकेशन है, जी हाँ देखिए ये रहा, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पे। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वो वाला फ़ोटो यानी वो बैकग्राउंड जो आप फ़ोटो में लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ रिसेंट पे क्लिक करके गैलरी में जाके भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपको इसमें फ़ोटो ऐड करना है, यानी वो फोटो जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो आपको एक नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फ़ोटो का, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये रहा फ़ोटो, उसका इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैंची दिखाई देगा ऊपर की साइड, जहाँ देखिए ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है, फिर फ्री एडिट करना चाहते हैं तो देखिए मैं ये इतने जो ये जहाँ जहाँ पे रेड निशान आ रहा है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो क्रॉप हो जाएगा। आप चाहे तो इसे जूम भी कर सकते हैं, देखिए ये रहा। उसके बाद इसे फ्रीली आराम से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि ये पार्ट क्रॉप हो जाए। ये बहुत आसान है, तो ये आपको आराम आराम से हाईलाइट करना होगा। आप यदि आपसे कोई पोर्शन गलत सिलेक्ट हो गया तो आप यहाँ पर एक ब्रश का ऑप्शन देख सकते हैं, उसका इरेजर से मिटा सकते हैं। तो देखिए ये मिट रहा है। उसके बाद आपको दोबारा ब्रश सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं हाईलाइट करना। तो देखिए आप जूम करके हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर की साइड एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी जो क्रॉप करे हुए फ़ोटो को, सिलेक्टेड पोर्शन को आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं किसी और फ़ोटोज़ में, तो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, आपको दोबारा ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद आपको नीचे की साइड एक राइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो हट गया। अब आप इसे बड़ा कर सकते हैं देखिए, और यहाँ पर फ़ोटो सेट लगा सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इस तरह ये कंप्लीट बैकग्राउंड चेंज हो गया। उसके बाद आपको नीचे एक राइट का ऑप्शन दिखाएगा, राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये कंप्लीट हो गया देखिए। उसके बाद आप इस फ़ोटो को सेव करने के लिए ऊपर की साइड आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए ये एरो का, उस पर क्लिक करना है और ओके कर लेना है तो ये फ़ोटो आपका सेव हो गया। तो इस तरह आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड ईजिली चेंज कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़ से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा YouTube वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और नए वीडियोस अपलोड होने पर उनकी जानकारी पा सकते हैं। ये हमारे कुछ और वीडियोस, जैसे कि कंप्यूटर को वाईफाई हॉटस्पॉट कैसे बनाएं, क्रप मेमोरी कार्ड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कैसे स्पाई कर सकते हैं किसी के फ़ोन को, या फिर आप एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। तो ये हमारे कुछ और वीडियोस जिन्हें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्नोलॉजी ज्ञान। गुड बाय।